हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप आज मैं अपने इस प्लांट्स को रिपोर्ट करने जा रही हूँ। ये पारिजात है, ये टिकोमा बूस है, मोगरा है और बाकी के, तो उसके लिए सॉइल मीडिया बनाते हैं। तो ये सिंपल गार्डन सॉइल है और ये कोकोपीट है, एप्सम सॉल्ट और डीएपी के दाने हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया। और फ्रेंड्स, वो सारे फ्लावरिंग प्लांट है तो ये बोन मील भी डालेंगे अच्छे से। और ये थोड़ी सी नीम पाउडर, और बाकी के ये गोबर की वर्मिंग कंपोस्ट है, तो इन सबको मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो ये हमारा रहा प्लांटर, और सब में मैं थर्माकोल की पीस रख दे रही हूँ। गार्डेनिस तो अच्छा से बना हुआ है फिर भी, ताकि बरसात में पानी ठीक से निकल सके। ये इस तरह से हो गया, और साथ में थोड़े से थर्माकोल के खड्डे भी डाल दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, अपने पॉट में सॉइल मिक्स भर देंगे। ये इस तरह से हो गया, और फिर उसके बाद में इन पौधों को पॉलीथीन से कट कट करके निकालेंगे। ये खांस से तो नहीं होगा, उसके लिए मुझे दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने सबको कट कट करके रखा है। और फ्रेंड्स, ये खांसी नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने वीडियो वॉश किया था, फिर से मुझे करना पड़ेगा। और ये इस तरह से निकला, और फिर मैं उसे इस तरह से इसमें रख करके सॉइल भर देंगे इस तरह से सभी में। ये तो मोगरा का है, और इस तरह से अपने सभी प्लांट्स को सॉइल मिक्स से फुल कर देंगे। और फ्रेंड, प्लांट रिपोर्ट करते करते शाम होने को आई। इसमें भी मैंने इस तरह से थर्मोकोल का टुकड़े रख दिए। ये मिट्टी की पॉट है, और थोड़े से वेस्ट डाल दे रहे हैं। और फिर सॉइल मिक्स भर दे रहे हैं। ये मिट्टी का पॉट है, मिट्टी का गमला में मैंने सॉइल मिक्स भर दिया। और ये अभी प्लांट को रखते हैं। ये पारिजात का पौधा है, इसे मैं मिट्टी के गमले में रिपोर्ट कर रही हूँ। और टोटल 6 गमले प्लांट्स मैंने रिपोर्ट किए आज। और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने बीच में पॉज कर दिए थे। और सबको इस तरह से मिट्टी दबा दबा करके, तो इस तरह से मैंने सभी को रिपोर्ट कर लिया। ये और शाम हो गया रिपोर्ट करते करते। तो ओके, बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट कीजिएगा। और ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।